इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में क्लिक करें बेल आइकन ताकि कोई भी नया वीडियो आती है आपको सबसे पहले पता चल जाए। हाय गाइस, वेलकम टू अर्पितास्पेस। हम स्पेसिफिकली आज इस वीडियो में सीखेंगे कि पिज्जा सॉस कैसे बना सकते हैं हम घर पर ही। ये एक मल्टीपर्पज सॉस है जिसको कि आप पिज्जा के साथ साथ पास्ता के अंदर और सैलड ड्रेसिंग्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप एक बार बनाकर और एक बॉटल में फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं ताकि आप इसको हफ्ते भर तक दोबारा भी यूज कर सकें। तो आइए देखते हैं घर पर ही हम ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पिज्जा सॉस कैसे बना सकते हैं। पिज्जा पास्ता सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 5 बड़े टमाटर, 7 से 8 बेजिल लीव्स। ये मार्केट में आजकल काफी जगह मिल जाती है, बट अगर ये आपको ना मिले तो आप इसकी जगह तुलसी जी के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते या बेजिल लीव्स डालने से इस सॉस में एक ऑथेंटिक इटालियन टेस्ट आता है, तो आप इन्हें ज़रूर डालें। 1/4 कप कटी हुई लाल शिमला मिर्च, इससे कलर और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे आते हैं। इसकी जगह आप हरी शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, या आप ओवरऑल शिमला मिर्च वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं टोटली। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 चीज़ क्यूब, 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस या केचप। ये थोड़े एड ऑन टेस्ट के लिए है, इसीलिए ये ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऑरिगेनो सीजनिंग 2 छोटे चम्मच, ऑलिव ऑयल 2 छोटे चम्मच। इसकी जगह आप कोई भी न्यूट्रल या हल्के टेस्ट वाले तेल को यूज कर सकते हैं। नमक 1/2 छोटा चम्मच या स्वादानुसार। ऑरिगेनो लीव्स 2 छोटे चम्मच, ये सूखी हुई लीव्स हैं, इनकी जगह आप मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। इनमें और सीजनिंग में यही फर्क है कि ये सिर्फ सूखे हुए पत्ते हैं ऑरिगेनो के, जबकि सीजनिंग में कुछ नमक और मसाले भी मिले हुए होते हैं। काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, चीनी 1/2 छोटा चम्मच। अब टमाटर को इस तरह से काट लेंगे। हमें इनका ये ऊपर वाला स्किन पोर्शन ही यूज करना है सॉस के लिए, इससे सॉस थोड़ा थिक बनेगा। अंदर वाला पल्प हम अलग कर देंगे, इसे हम किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। अब इन्हें इस तरह से बड़े चंक्स में काट लेंगे हम। इसके बाद एक पैन या कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। अब इसमें ये लहसुन डाल देंगे, इनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। इन्हें हाई फ्लेम पर 20 से 30 सेकंड तक पकाना है हमें। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन्हें ब्राउन नहीं करना है, सफ़ेद ही चाहिए हमें ये। और अब हम इसमें डालेंगे ये लाल शिमला मिर्च। अब 30 से 40 सेकंड के बाद इसमें ये टमाटर डाल देंगे। अब गैस को मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे 1 मिनट तक हम ढककर पका लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ये सारे मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, काली मिर्ची पाउडर, ऑरिगेनो सीजनिंग, ऑरिगेनो लीव्स या मिक्स्ड हर्ब्स, और टोमेटो सॉस या केचप। इन्हें 1 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हम ये बेजिल लीव्स डाल देंगे, और अब 30 सेकंड में हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें चीनी मिला देंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक रख देंगे। अब आखिर में इसमें ये चीज़ क्यूब ग्रेट करके डाल देंगे और इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। के बाद हमें इसे प्योरी करना है, तो आप इसमें ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे एक जार में ले लिया है, अब इसे मिक्सी में चला दूंगी मैं। प्रेफरेबली इस प्योरी को थोड़ा थिक, थोड़ा चंकी रखेंगे हम, एकदम स्मूथ प्योरी नहीं बनानी है हमें इसकी। तो अब ये सॉस बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसका एकदम खिला हुआ ऑरेंज रेड कलर आया है, और ये काफ़ी थिक भी है। कई बार टमाटर ज़्यादा पके हुए होने के कारण थोड़े लूज होते हैं, जिसकी वजह से सॉस थोड़ा पतला रह जाता है। तो उस केस में आप इसे वापस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दें और 2-3 मिनट तक बिना ढके हुए बॉईल कर लें, जिससे इसका पानी थोड़ा उड़ जाएगा। आप इस सॉस को तुरंत भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दें और इसको 1 हफ्ते तक आप फिर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के बगल वाले घंटी के सिंबल यानी कि बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो है तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लिविंग।